ये लोग क्या कर रहे हैं? अजीबो गरीब स्थिति इन लोगों ने पैदा की। अब एक बात शुरू कर दिया, पहले भाइयों आपको अखबारों के माध्यम से जानकारी मिली होगी कि गुजरात में सूरत में हमारा एक कैंडिडेट निर्विरोध जीत गया। भारतीय जनता पार्टी के जीतने का सिलसिला प्रारंभ हो गया और कांग्रेस के लोग और दूसरी राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। मैं यह पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के दोस्तों को कहना चाहता हूं, विरोध पक्ष के लोगों को कहना चाहता हूं, जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति मत करो, जनता की आंखों में आंख मिलाकर राजनीति करो। एक मिनट, आपकी भी हुकूमत थी कई बार सांसद निर्विरोध चुने गए, आपके सांसद यदि निर्विरोध जीत गया तो लोकतंत्र मजबूत हो गया और हमारा एक सांसद निर्विरोध जीत गया तो लोकतंत्र कमजोर हो गया। और इसी उत्तर प्रदेश में मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2012 में कन्नौज का हाई इलेक्शन था, उपचुनाव था, डिंपल यादव उस समय निर्विरोध जीत, उस समय कांग्रेस सपा बसपा के लोगों को लोकतंत्र के ऊपर खतरा दिखाई नहीं दिया था। कहां ले जाना चाहते हैं लोग इस देश को? मैं बार बार कहता हूं, राजनीति करनी है तो जनता की आंख में धूल झोंक के राजनीति मत करो, जनता की नजरों से नजर मिलाकर राजनीति करो। यह है